डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। डियर फ्रेंड्स, टुडेज हार्वेस्टिंग। आज मैं कुछ सब्जियों की छत पर हार्वेस्टिंग करूँगी और उसी क्यारी में आपके सामने खाद छान के डालूँगी, किचन वेस्ट की खाद छान के डालूँगी और दूसरी नई सब्जियाँ लगाएंगे। ये सारा इस वीडियो में, ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखना, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग करना। ये देखिए पालक, ये पालक मेरी किचन वेस्ट पे आपको हमने पहले पिछले वीडियो में बताया है, मेरे चैनल में। इसके नीचे किचन वेस्ट भरा हुआ है, ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी और देखिए कितनी सुंदर पालक तैयार हो गई। और पालक के साथ साथ में इसमें सोया भी है, ये देखिए सोया। देखिए कल मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इनको सबको उखाड़ेंगे, ये सारे गोभी अभी इस बगिया इस क्यारी के हम उखाड़े ले रहे हैं। और इसमें खाद डालकर किचन वेस्ट जो कल निकाली उसको छान के डालेंगे और दूसरे पौधे लगा लेंगे। ये देखिए ये पालक और गोभी की आज मैंने हार्वेस्टिंग की है। देखिए आज हम सेम की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सेम आप सब बहुत लगी हुई है, लेकिन मेरी ये सेम, ये देखिए ये देखिए सेम ही सेम लगी हुई है। आज पहली बार इस सीजन में पहली बार सेम की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये घड़े से किचन डेस्क से कैसे खाद बनाई, उसको मैंने धूप में डाल दिया और आज उसी को छानकर आपके सामने मैं रेडी कर रही हूँ। इस तरह से ये दो दिन धूप में पड़ी रही और आज इसको हम छान के ये खाद निकाल ली है मैंने। और अब ये मैं ये गोभी हार्वेस्टिंग की थी, ये गमला खाली था तो इसी में ये किचन वेस्ट हम डाल रहे हैं। और इस दूसरे गमले में भी हमने गोभी की हार्वेस्टिंग की थी, अब ये खाली हो गया तो इसमें ये किचन वेस्ट की खाद इस तरह से डाल और आज ही इसमें हम पौधे लगा देंगे। अब ये बहुत अच्छी रिच खाद बन गई है और इसमें कोई भी पेड़ चल जाएगा। ये देखिए ये मेरी खाद, इसको हम मिला रहे हैं और पौधे भी लगाएंगे। और अब दूसरी चीज़ आपको ये बताने जा रहे हैं,
कि मस्टर्ड केक जो मैंने पिछले वीडियो में फुलाई थी, और मैंने ये वादा भी किया था कि जब हम इसका यूज करेंगे पौधों में तो आपको दिखाएंगे। तो आज वो मस्टर्ड केक हमारी तैयार हो गई फूल के। आज देखिए इस तरह से ये तैयार होती है। ये देखिए ये मस्टर्ड केक हमारी फूल के तैयार हो गई। इसको 48 आवर्स हो चुके हैं। ये देखिए अब ये मस्टर्ड केक हम इस 20 लीटर बाल्टी में मिला दे रहे हैं। ये इस तरह से मिल गई। अब ये इस तरह का पानी बन गया। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छी लिक्विड खाद तैयार हो रही है, और ये हम अपने पौधों में अब लगाने जा रहे हैं। इस तरह से पूरी बगिया में, इन आलूओं में भी, सभी में हम इस तरह से डाल देंगे। देखिए ये आलू में मैं डाल रही हूँ, और ये प्याज में डाल रहे हैं, इधर मूली में डाल दिया, फिर में भी डाल दिया, गाजर में भी डाल दिया, इधर बैंगन में, इस बैंगन में भी, इन गोभियों में भी डाल रहे हैं, और आज ये सुबह हार्वेस्टिंग की थी, ये क्यारी खाली की थी, इसमें भी डाले दे रहे हैं, और इसी में फिर पौधे लगाएंगे। और ये हमारे कैबिज के पेड़ हैं, इनमें भी डाल रहे हैं। ये न्यू लगाए अभी, पहले वाले उखाड़ लिए थे, वो भी बन गए थे। और ये हमारा बैंगन है, इसमें भी डाल रहे हैं। और देखिए ये न्यू बैंगन है, इसमें भी डाल रहे, इसमें बैंगन लगना भी नए शुरू हो गए। ये देखिए, और ये गोभी इस साइड में, इसमें भी डाल रहे हैं। इस तरह से सारे पौधों में, किसी भी चीज़ का हो, सभी में इसको डालना है। इस गोभी में भी डाल रहे, क्योंकि इनमें गोभी इस समय आ रहा है, पड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हमारी गाजर है, इसमें भी डाल रहे हैं। ये देखिए नए गोभी, बिल्कुल न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए इन टमाटरों में भी डाल दे रहे हैं, और ये पत्ता गोभी लगाया, इसमें भी डाल रहे हैं। इस तरह से सभी में हल्दी मेथी पत्ता गोभी सभी में डाल दिया। तो आज मैंने नीम केक का लिक्विड डाला है, कल अमृत जल डालेंगे। हमारा ये डालते हुए और सब दिखाते हुए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।